दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों कह रहा है कि इफ़ वाई इक्वल टू हम लोगों को दिया गया साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन y इक्वल टू हम लोगों को दिया गया साइन इनवर्स ये 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 13। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसका रिजल्ट यदि हम लोग साइन में ले आते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों साइन इनवर्स साइन थीटा में लाने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए ऊपर में यहाँ पे दो टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों को 5x अपॉन में 13 प्लस ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13 और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर में दो टर्म, नीचे में सिंगल टर्म है, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 अपॉन 13 रूट अंडर इतना लिखिए या 12 रूट अंडर इतना अपॉन में इतना लिखिए, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल टू साइन इनवर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x अपॉन 13 को 5 अपॉन 13 इंटू एक्स प्लस 12 अपॉन में 13 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मेन बात समझनी है क्या, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5 अपॉन 13 है और यहाँ पे है 12 अपॉन 13 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट 5 अपॉन 13 इक्वल टू साइन अल्फा लेट कर पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 अपॉन 13 को हम लोग साइन अल्फा पुट करते हैं एंड एक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा पुट करते हैं। फिर से यहाँ समझिए दोस्तों कि 5 अपॉन 13 है ना, पहला जो नंबर वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे साइन अल्फा पुट करते हैं और ये सेकेंड वाला जो एक्स जो है इसको हम लोग क्या किए कॉस थीटा पुट करते हैं। अब यहाँ से देखिए साइन अल्फा है यहाँ से, तो साइन अल्फा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे था ना कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल दिया हो जाए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा मतलब क्या हो गया साइन अल्फा का होल स्क्वायर और साइन अल्फा का वैल्यू कितना 5/13 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 169। 1 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 169, तो 169 माइनस 25 तो हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 169 से 25 को माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा अपॉन में 169। इसको रूट से बाहर करेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल देखिए रूट अंडर 144 अपॉन में 169, तो 144 का रूट कितना होता है 12 अपॉन में 169 का हो जाएगा 13। अब दोस्तों देखिए 12 अपॉन 13 का जो वैल्यू हो गया, देखिए आप समझिए कि इसको हम लोग क्या पुट किए हैं साइन अल्फा, तो 12/13 देखिए 12/13 क्या हो गया यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया। यहाँ से इस पर लिख लीजिए यहाँ पे समझने के लिए कॉस अल्फा। ठीक इसी तरह से यहाँ से देखिए कि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल देंगे साइन थीटा का निकाल देंगे। तो बताइए दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों कॉस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या पुट किए थे, इसको पुट किए थे साइन कॉस थीटा, तो
देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा, तो रूट अंडर वन वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग बन रहा है, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। मेन काम दोस्तों यही सोचना था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि देयर फोर, या ऐसे लिखे देयर फोर ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ये y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, देखिए 5/13 तो 5/13 को हम क्या पुट किए थे साइन अल्फा, तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू एक्स क्या था, x था हम लोगों कितना, देखिए x था हम लोगों कॉस थीटा प्लस 12/13, देखिए 12/13 क्या था कॉस अल्फा इंटू ये रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या साइन थीटा। अब इसे आगे दोस्त देखिए ये हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इसको ए समझिए और ये बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है मतलब जिसका इनवर्स और वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है सिर्फ एंगल बच जाता है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये वाई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों अल्फा और थीटा का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए वाई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, अल्फा देखिए क्या है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 है, यहाँ समझिए देखिए साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 है तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा क्या हो जाएगा इन्वर्स में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे 5/13 इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से दोस्तों अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स 5/13, ये तो आप लोग जानते हैं इन्वर्स से कि साइन अल्फा इक्वल टू इतना, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल दिया इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों देखिए x इक्वल टू है कॉस थीटा, तो x इक्वल टू है कॉस थीटा, तो यहाँ से दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए कॉस इनवर्स x हो जाएगा, इस दोनों वैल्यू को इसमें क्या कीजिए पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस थीटा, थीटा है कॉस इनवर्स x। अब दोस्तों ये सिंपल फॉर्म में आ गया, अब इसको हम क्या करें डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब दोस्तों इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए अब इससे आगे दोस्तों देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था, अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए डी से वाई को मल्टीप्लाई करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो डी से वाई को मल्टीप्लाई ये डी वाई अपॉन डी एक्स एजिटिज, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वर्स 5/13 दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं तो ये हो गया कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/√1 - x², इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा -1/√1 - x², लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 - x². ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।